अकवाले ज़री रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की शिकायत ना कर। बहादुर मुकाबले के वक्त आजमाया जाता है। कभी भी अपने माँ बाप और उस्ताद की शिकायत ना कर। बीवी के सामने उसके मैके वालों की शिकायत ना कर। औलाद के सामने अपने बड़ों की शिकायत ना कर। माँ बाप का नाफरमान अपनी औलाद की नाफरमानी का मुंतजिर रहे। बेमौका बोलने से चुप रहना बेहतर है। बेइज्जती की ज़िंदगी से मौत बेहतर है। बुरी सोहबत से दूर रहना बेहतर है। सबसे अच्छी खैरात माफ़ कर देना है। सबसे अच्छा नशा खिदमत खल्क है। सबसे बड़ा बहादुर बदला ना लेने वाला है। मर्द की खूबसूरती उसकी फसाहत है। गीबत अमल को खा जाती है। माँ बाप का हुक्म चाहे नागवार हो कबूल कर ले। नसीहत की बात चाहे कड़वी हो कबूल कर ले। यतीम और बेवा का माल खाने से परेशानी आती है। खैरात से माल में कमी नहीं आती। बहस करने में जाहिल से शिकस्त खा ले। फजूल खर्ची करने से मुफलसी आती है। बेअदबी करने से बदनसीबी आती है। तौबा गुनाह को खा जाती है। गरीब की दावत चाहे तकलीफ दे हो कबूल कर ले। तकब्बुर इल्म को खा जाता है। गुस्सा अकल को खा जाता है। इंसाफ जुल्म को खा जाता है। झूठ रिस्क को खा जाता है। दोस्त को मुसीबत के वक्त आजमाया जाता है। अमानतदार मुफलसी के वक्त आजमाया जाता है। बुर्दबार को गुस्से के वक्त आजमाया जाता है। अपनी ज़बान को ज़िक्र इलाही में मशगूल रखो। खुदा से डरने वाले की ज़ुबान गूंगी हो जाती है। खामोश ज़बान सैकड़ों ज़बानों से अच्छी है।